हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है आज, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम लोग चेक करेंगे, हो सकता है ये अपलोडिंग के बाद इसकी वॉइस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अब बेटर है, ओके, मैंने हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दिया है तो अब थोड़ा सा बेटर होगा। और मैं थोड़ा सा शायद अपना आका और नेटवर्क चेक कर लेती हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि हम लोग अभी 5 मिनट में जो यूजीसी ने जो 2022 का सिलेबस दिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत हैक्टिक लेते हैं उस सिलेबस को। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो फर्स्ट मेरा वीडियो था, फर्स्ट टू सेकेंड ही था शायद, तो वो वीडियो में मैंने आपको सीधे पॉइंट्स बताए थे कि हम लोगों ने नेट में ये पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैं ये केयर नहीं कर रही हूँ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं। आपकी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना, अदरवाइज आप लोग जब भी वीडियो देखें। ये सिर्फ इसलिए है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी और हम लोगों का जो सिलेबस फियर है वो दूर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइव क्लासेस चालू करने वाले हैं ऑनलाइन डेली, उसमें मैं आपको जो बोर्ड पे इन बोर्ड पढ़ाऊंगी जैसे अपन पढ़ाते हैं वैसे पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमारा सिलेबस डिस्कस होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि इस वीक में पूरा सिलेबस आप लोगों का क्लियर हो जाए, डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो इस वीक में एक दो बार इसी तरह से जोड़ के या वीडियो दे के जो भी आपकी वो जो सिलेबस की स्ट्रेटेजी है उसको क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना एक एक टॉपिक जो कि इंडियन आर्ट का भी लेके चालू करेंगे। एक और कंफ्यूजन सबको कि क्या वेस्टर्न आर्ट बंद हो जाएगा, तो वेस्टर्न आर्ट बिल्कुल बंद नहीं होगा। उसके वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन में बनाती हूँ, तो वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। जैसे कि इंप्रेशनिज्म है, तो उसका अगला अपना इंप्रेशनिज्म प्रभाववाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसमें बहुत चीजें कवर करनी पड़ी मुझे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो वो वाला भी हम लोग जो है जल्दी
शायद एक दो दिन में वो भी पब्लिश हो जाएगा, तो वो अपना अलग जगह चलेगा, लेकिन अपनी जो ये डेली क्लास है ये अलग जगह चलेगी। और इसमें हम लोग ध्यान रखें आप लोग कि सिर्फ क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं करें, पढ़ेंगे नहीं मतलब टॉपिक नहीं पढ़ के, जैसे कि हम लोग पिछले साल भी जो पिछले नेट के एग्जाम के समय हम लोगों ने पेपर सॉल्व करे थे वो हम अभी से करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो उस पेपर जब सॉल्व करना होता है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम मतलब ज्यादा लोग जुड़े हुए हों और आप लोगों का मुझे आउट फीडबैक पहले चाहिए होता है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी, उम्मीद है आपको वो चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार बता दीजिए मुझे कि क्या हम इस चीज को चालू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और स्रोत नहीं है जिससे मैं अपनी वॉइस चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार बोल दीजिए कि क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। और उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि अगर कोई भी दिक्कत है हमको तो हम, ये कोई मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत परेशान रहते हैं इसलिए बता रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे डेली डेली हम लोग क्विज करते हैं। अभी सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, और उसके बावजूद भी जो अभी लेटेस्ट आर्टिस्ट वाली चीजें आप लोग बोलते हो कि भाई आर्टिस्ट वाली चीज को करिए, तो वो उसके लिए अभी हमने एक नई चीज चालू करी है, कुछ महीनों से ही, एक दो महीनों से ही चालू करी है। आपको मैं बता दूं कि जो अभी आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे पोस्ट में, नहीं देखी तो प्लीज यूट्यूब के मेरे चैनल की कम्युनिटी पे जाके वो पोस्ट देखिए आप। पिछली बहुत सारी पोस्ट में एक दो महीने से जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी या तो डेथ एनिवर्सरी आती है या उनका बर्थडे आता है, उसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, उनका पूरा बायोग्राफी एक पोस्टर्स में देखे और उनका वर्क देखते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा, और या आप यूट्यूब के कम्युनिटी पे देख लो, या आप इंस्टाग्राम की ये इस आईडी की स्टोरी पे देख लो, स्टोरी हाईलाइट पे, तो आपको ये वाली चीजें समझ आएगी। और ये इस तरह की स्मार्ट स्टडी सबसे पहला गुरु मंत्र है नेट के लिए, ठीक है। सिर्फ किताबें लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की अगर हम स्मार्ट स्टडी भी करेंगे, एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया पे भी, तो हम ये चीजों को, सोशल मीडिया का यूज हम अच्छी चीज के लिए करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह की मेरे को दो मिनट बात करनी थी। अब हम जो है मेन सिलेबस को देख लेते हैं, जो कि आपके उसमें है यूजीसी की नेट की साइट, ऑफिशियल साइट में जो सिलेबस मिलता है वो ये है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं और मैं क्लियर करती रहती हूँ, तो अब इससे पहले मैं बोल रही हूँ कि देखो इसका आपको बहुत आसान भाषा में अगर चीज कुछ चाहिए ना, एकदम आसान भाषा में अगर हमको चाहिए कि हम समझें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अभी इसकी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वो वीडियो का लिंक, आप उसको देखो, आपको बहुत समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी हम ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, तो ऑथेंटिक बात से हम देखेंगे कि यूजीसी ने जो सिलेबस दिया है वो मैंने भी जो बात उसमें बताई है, जो पॉइंट्स उसमें बताए हैं कोई अलग नहीं है, वो वही है। तो यूजीसी ने जो सिलेबस दिया है उसी में से वो चीज बनी गई है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो है इस सिलेबस की वो क्या है, ये वाली चीज जो कि गलत है। गलत है मतलब ये पुराना ही सिलेबस है जिसको आपने अभी भी 2021-22 के लिए डाल रखा है पैटर्न, इसी से बच्चे होते हैं कंफ्यूज। क्या होते हैं कि देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक भाई एक पेपर एक पार्ट आएगा और दूसरे पार्ट के दो पार्ट रहेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे और ये ऑब्जेक्टिव। ये सारा पुराना फंडा है, इसको भूल जाइए, जो अभी का नया फंडा है उस पर बात करते हैं। दो पेपर होंगे भैया, ठीक है, दो पेपर दो नहीं होंगे, पेपर तो एक ही रहेगा, उसके दो सेक्शन होंगे, पेपर वन पेपर टू, ठीक है। अब पेपर वन जो है ये आपका जनरल पेपर रहता है जो हर सब्जेक्ट को देना जरूरी रहता है, हर सब्जेक्ट में ये सेक्शन वन आता है, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स के पेपर आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका जनरल है, और ये इसमें जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका सब्जेक्ट का रहता है, और एक सिंपल सी बात कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव का नेट में कोई भी हिसाब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत आसान से आप लोग समझ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो देखो पेपर टू और पेपर थ्री ये वाली चीज का जो है ये सब को भूल जाओ, आप ऐसा मत सोचो, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हम अभी सीधे सीधे सिर्फ सिलेबस देखने वाले हैं कि सिलेबस में आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो ये एक
जो ये यूनिट्स दे रखी हैं, दिख रही है आपको इतनी यूनिट्स, ये टिल 10th यूनिट तक, ठीक है। तो ये जो यूनिट दे रखी है ना दोस्तों, यही आपका एक तरह से मोटा मोटा सिलेबस है, ठीक है। जो इन इन्हीं यूनिट्स को लेके मैंने वो अपना सेकंड नंबर वीडियो बनाया था कि व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द यूजीसी नेट, ठीक है। तो ये वही है, इसी को लेके हमने बात करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उस पर मैं देख लेती हूँ क्या है। पहली यूनिट आ जाओ, ठीक है। क्या है, इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा पढ़ने में इजी रहता है, अगर हिंदी वाले भी हो तो भैया अपन, मैं भारत की हूँ और हिंदी में ही बात करूंगी, ठीक है। इसलिए इंग्लिश खोला है कि इंग्लिश में थोड़ी टर्म्स हर किसी को समझ आ जाती है। तो हिंदी वाले भी हो तो ऐसे मत करना कह रहे, तो इंग्लिश में बता रहे हैं और ऐसा। तो हमें दो, सबसे पहली एक और गुरु मंत्र नेट में हमें दोनों लैंग्वेज के प्रति कंफर्टेबल रहना चाहिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जैसे में मटेरियल मिल रहा है हमें उसे यूज करते आना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहली यूनिट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल आर्ट्स, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। तो इस यूनिट में क्या होता है भाई, सबसे पहले बीए में आए आप, बीएफए में आए आप, और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना फाउंडेशन पढ़ा जो कि था फंडामेंटल ऑफ आर्ट, जिसको हम कहते हैं कला के मूलाधार। क्या कहते हो, कला के मूलाधार, जिसमें क्या आता है, लाइन आता है, शेप आता है, फॉर्म आता है, स्पेस की थोड़ा सा मिस अरेंज लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाओ कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ आर्ट, कला के तत्व क्या है, कला के मूलाधार क्या है, वो सब आ जाएगा। लेकिन उस सब को भी हमको डिटेल में पढ़ना रहेगा, ऐसा नहीं है कि बस 6 तत्व होते हैं वो पढ़ के और वो लिख लो, नहीं। लाइन कितने प्रकार की होती है, रूप कितना प्रकार का होता है, वो बहुत आसान है, एक एक बार पढ़ोगे उसको, किताबें बताई है मैंने, एक एक बार अपन उसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है अगर समझ के पढ़ेंगे तो। रेखा कितने प्रकार की होती है, सीधी प्रकार की होती है, वक्र प्रकार की होती है, मतलब मतलब सीधी होती है या तो कर्व्ड होती है। तो ये सब चीजें हम बहुत छोटे उसमें पढ़ लिए हैं, फाउंडेशन में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि यार नेट का सिलेबस बहुत टफ है। कैसे टफ है, बीए और एमए भी इसमें मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको टफ नहीं कह सकते। तो फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, जिसमें हम स्पेस देखेंगे, मतलब वो बोलते हैं उसको अंतराल, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर, टोनल, पर्सपेक्टिव, यहां तक तो आप आपके एलिमेंट्स पे आ गए, अपन लोग क्या आ गए, एलिमेंट्स पे आ गए, अंतराल, रूप है ना, शेप जिसको कहते हैं, लाइन, रेखा, रंग, टेक्सचर, तान, पोत, ये सब, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो क्या होता है, पर्सपेक्टिव। सबको पता है पर्सपेक्टिव, 2D पर्सपेक्टिव, 3D पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव, ये वाली चीजें जो है ये सब इसमें हमारी आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं डिजाइन और एस्थेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल आर्ट इन आर्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है भाई, ये क्या है, अब बोलोगे, ये कुछ भी नहीं है, ये वो है जो आपकी फाउंडेशन आपके बीए में, आपके बीएफए में आपका सेकंड नंबर चैप्टर रहता है, हर ही सिलेबस में सेकंड नंबर चैप्टर रहता है। क्या कहते हैं उसको, संयोजन के सिद्धांत, ठीक है, कॉम्पोजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर आता है आपका बैलेंस, हार्मनी, ठीक है, ये वाली चीजें जितनी आती है वो सब कॉम्पोजिशन में आती है। डोमिनेंस क्या होता है, रिदम क्या होती है, ये चीजें जो है कॉम्पोजिशन में आती है, और ये आजकल हर एग्जाम में फंडामेंटल्स के क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमको किसमें ध्यान देनी है, इनमें ध्यान देनी है, ठीक है। टेक्टाइल क्वालिटी इन आर्ट, मतलब वही उसका जो अलग अलग हम बोलेंगे उनके टेक्सचर्स से जो हम जाते हैं वो, और इन्वायरमेंटल इन आर्ट, इन्वायरमेंट और कला में क्या वो है, ये सब चीजें, और परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स इन आर्ट, ठीक है, कि कला में जो चीजें वो रहती है हमें ये देखनी है। तो ओवरऑल ये वाली यूनिट तो हमारी क्या, कहाँ पे आ जाती है, कला के मूलाधार, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ नहीं है, कला के एलिमेंट्स हैं, कला के तत्व हैं, और संयोजन के सिद्धांत है, और उसी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसी को हम एलोबरेट फॉर्म में कर देंगे तो ये वाली चीज जो होती है वो आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले उसके तरफ कि यूनिट टू क्या है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट वन को अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मोटे तौर पे इनने दिए रखा है, और जो इलेक्टिव का जो सिलेबस होता है ना आगे, जो उसको आप लोग जिसमें कंफ्यूज होते हो, वो उसी इसी का एलेबरेट फॉर्म है, इसी को समझा रखा है, और ये सिलेबस इतना बेहतर है कि इससे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करोगे, मतलब कुछ चीजें इनने इतने अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। तो वो अपन देख लेंगे, अब अपन दूसरी यूनिट पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाली चीज कर ली, हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम चीज करेंगे वो हम कहां पे आएंगे, वो हम इस पे देखिए,
इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस आर्ट। अब ये हम कहेंगे कि ये तो थी कला के उसमें किसी भी संयोजन में क्या, लेकिन डिफरेंट आर्ट मतलब पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सब चीजों में जो आपस में क्या रिदम, उसका जो स्ट्रक्चर, अंतराल को यूज कैसे करना चाहिए, मतलब स्पेस डिवीजन क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मटेरियल, उसकी तकनीक, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे हो, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। कॉन्सेप्चुअल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट मतलब इसका क्या है, ओवरऑल इसका मतलब हमारा क्या है, जो हम बोलते हैं माध्यम और तकनीक, जो अभी आगे भी आएगी उसी को हम शुरुआत में आगे कहेंगे कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग आर्ट्स होते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, ये आप वो वाली बात ले लो कि कला और कला क्या है, कला के प्रकार क्या है, इन सब चीजों को इन्हें एलिब्रेट में डिस्क्राइब कर रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक आर्ट क्या होता है, लिटरेरी आर्ट क्या होता है, ये क्या है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल आर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, कोई भी कला है उसका क्लासिफिकेशन। वेरियस आर्ट्स क्यों बोला है कि सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, और सभी के हम बोलेंगे थीम, उसका एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, वो परफॉर्मिंग आर्ट क्या है, सिनेमेटिक मतलब सिनेमा से रिलेटेड क्या है, प्लास्टिक आर्ट क्या है होता है, ये सारी चीजें जो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट है जो हम अपने चैप्टर्स के फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, ये वो हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं, यूनिट 3, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीडियम एंड मटेरियल्स इन मेकिंग विजुअल आर्ट्स, है ना। विजुअल आर्ट्स मतलब बनाने में माध्यम क्या है, तकनीक क्या है, ये जो अब चीजें आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी। माध्यम मतलब अलग अलग माध्यम होता है, देखो कैसे विजुअल आर्ट्स में क्या क्या आएगा, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफ, तो ये वाली सारी चीजें जो आ जाती है आपकी किसमें आ जाती है, ये आपके उसमें आ जाती है, ठीक है। अब एक मिनट में थोड़ा सा कमेंट्स अगर मुझे दिख जाए, तो ये जो सारी चीजें आ जाती है आपकी किसमें आ जाती है, विजुअल आर्ट्स उसमें आ जाएगी। पेंटिंग, स्कल्पचर, चाहे चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, प्रिंट मेकिंग हो, म्यूरल हो, ग्राफिक हो, मल्टीमीडिया आर्ट हो, ये सभी में जो जो तकनीक यूज होती है वो सब इसमें आएगा, ठीक है। जो जो तकनीक यूज आती है वो सब इसमें आएगा। इन्वेंशन, एडेप्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी, अब उस मीडियम की जैसे देखो शुरुआत कहां से करी थी, शुरुआत नेचुरल कलर से करी थी, वो पत्थर पे यूज करते थे, उसका स्पेस क्या होता था मतलब अंतराल क्या होता था, पत्थर रहता था, और आप यूज क्या करते थे, नेचुरल एलिमेंट से आप एज अ कलर यूज करते थे, तो ये वाली चीज तो पहले होती थी। लेकिन धीरे 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 तकनीकों में क्या अंतर आया, मटेरियल्स में क्या अंतर आया, टेक्सचर्स सब में क्या अंतर आया, वो हम जो है इन चीज में पढ़ लेंगे। तो ये सिर्फ नाम की यूनिट कह रखी है, देखो जब आप टाइमलाइन पढ़ोगे, आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक आओगे, ऑब्वियसली आप उनकी टेक्निक्स पढ़ लोगे, आप उनकी मीडियम्स पढ़ लोगे, ठीक है। तो वही बोल रखा है कि प्रागैतिहासिक काल से लेके आज के दिन तक जो जो परिवर्तन आए, आज देखिए आज इंस्टॉलेशन आ रहा है, वीडियो आर्ट हो रहा है, उसमें हम क्या है, हम कितने विभिन्न प्रकार के माध्यम को यूज करके अपना आर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कल को क्या होता था, कल को हम वो चीजें यूज करते थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस यूनिट में हम कवर कर लेंगे, ठीक। आगे देखो, चलो फिर आते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोसेस, प्रोसीजर यूज इन मेकिंग, जो जो अब अभी तो आपने क्या माध्यम और उस पर देखा, अब क्या क्या प्रोसेस यूज होएगा उसका, अब हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं, प्रोसीजर यूज कर रहे हैं चित्रकला बनाने में, मूर्तिकला के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए, म्यूरल, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, इन सब में आप लोग खुद ही पढ़ते हो ना, ये क्वेश्चन आता है स्कल्पचर्स के अंदर, न्यू मॉडलिंग हो रहा है, कार्व उसको कैसे हम एनग्रेव कर रहे हैं, कार्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी इसके अंदर आती है। ये जब हम माध्यम और तकनीक में आपकी एक दो क्लास में कंप्लीट करा सकती हूँ, जब हम ये वाली चीज करेंगे ना तो ये सब इसी चीज में आएगा, ठीक है। ये कहने को ये तीन यूनिट है, लेकिन ये सब मेरे लिए एक ही यूनिट है, क्योंकि ये सब एक ही बात कर रहे हैं, माध्यम और तकनीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज जो तो आ जाएगी इसमें, मॉडलिंग, कार्विंग, बिल्डिंग, कास्टिंग, डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग,
कलर पेंट पिगमेंट, जैसे कैसे इम्पेस्टो क्या होता है, मोटी मोटी परत लगा के जो कलर्स चढ़ाते हैं उसमें कौन से कलर्स यूज होते हैं, उसकी तकनीक कैसी होती है, उसमें कलर को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये वाली चीजें क्या होती है? कुछ नहीं, एक एक टॉपिक चार लाइन लेता है अपने, है ना, कि वो क्या कलर यूज करते हैं, किस तरह से लगाते हैं, कैसे करते हैं, ग्लेजिंग क्या होती है, बर्निशिंग काहे में यूज होती है, ड्रिप टेक्निक क्या होती है. तो ये क्या है, ये पेंटिंग्स की एक तरह से तकनीक है. ये बहुत छोटे नोट्स में आपके लिए कंप्लीट हो जाता है और हमेशा आपको याद में रहता है. लेकिन नेट की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और ये वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए. ये जो मैं तीनों यूनिट बताई है, ये हमारी, ये फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये हमारी स्कोरिंग यूनिट्स हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे और हम इसको स्कोर करेंगे. हमारे गलत ये हो ही नहीं सकते अगर हमारे इनका जो हम बोलेंगे इनके फंडामेंटल्स, जो इनके बीच की थ्योरी है, वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी. और वो तभी क्लियर होगी जब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को पढ़ेंगे. वास्तविक में हम अगर यूज करते हैं, हम वॉश टेक्निक यूज करते हैं, हम समझ पाएंगे कि वॉश में क्या होता है और गुआश में क्या होता है, तो हम बहुत अच्छे से इसका आंसर्स कहीं भी कर सकेंगे. हम इसको, इन यूनिट्स को हम चाह के भी रट नहीं सकते हैं. कुछ यूनिट्स होती हैं जिसमें टाइम, यहाँ पे ये मूर्ति है, ये हमें रटना पड़ता है, लेकिन इनको हम रट नहीं सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं. ये हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों को हमको समझ के लर्न करना पड़ता है. ठीक है, फिर आते हैं, देखो, एचिंग जो कि प्रिंट मेकिंग का टेक्निक है. बहुत अच्छे से प्रिंट मेकिंग आपको पूरा एप्लीकेशन से वीडियोस में बता रखा है कि उसको कैसे, उनकी तकनीक पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा. ठीक है, तो एचिंग है, रिलीफ सरफेस प्रिंटिंग है, मतलब तीनों, एचिंग नहीं होना चाहिए, इंटेग्लियो होना चाहिए इसकी जगह, क्योंकि हम इंटेग्लियो की सारी टेक्निक हमें पढ़नी है. पर ठीक है, अब इनने दे रखा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आता है, इंटेग्लियो है, रिलीफ है, सरफेस प्रिंटिंग, मतलब ये अलग अलग प्रिंटिंग जो है, इनका क्या तात्पर्य है. ठीक है, और आगे देखें तो फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को तो ये भी जो है वॉल पेंटिंग की तकनीक है. उसको इनने एक तरह से मैं बोलूंगी, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सिलेबस को अच्छे से एक के बाद एक नहीं जमा रखा है. ठीक है, वो बहुत उलझा हुआ है, तो सबको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा सा है और कितना टफ है, जबकि ये बहुत इजी है. ये इसको हमको बहुत छोटे रूप में देखना चाहिए. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, फ्रेस्को टेक्निक है. तो फ्रेस्को टेक्निक, फ्रेस्को ब्यूनो क्या होता है, सेको क्या होता है, प्रिंटिंग प्रोसेस जिसमें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इंक्लूड है. ठीक है, प्रिंटिंग प्रिंट में तो किया, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसके अंदर हम कहेंगे टाइपोग्राफी आएगी, विभिन्न फॉन्ट्स वगैरह, ये सब चीज जो भी होती है प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग में किसको क्या कहते हैं, ये सब चीज इसमें आएगी. तो ये बहुत छोटे नोट्स में हमारे लिए कंप्लीट हो जाता है, जिसको इनने बहुत बड़ा बना रखा है. ठीक, आगे यूनिट पे बढ़ते हैं. देखो, ये इनने एक बहुत बड़ी सी चीज को छोटे सी बात में कह दिया. क्या है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्ट, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, कला की हिस्ट्री, फॉर द स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स इन जनरल एंड आर्ट हिस्ट्री एज एन एरिया. ये चीज जो है ये आप भूल जाओ, क्योंकि ये क्या है कि अगर विजुअल आर्ट के, वो पहले क्या होता था, इलेक्टिव होते थे, मतलब आप विजुअल आर्ट वाले हो, आप ड्रॉइंग पेंटिंग वाले हो, आप अप्लाइड वाले हो, तो उसके लिए. ठीक है, तो ये भूल जाओ, एक तरह से हमको वर्ल्ड आर्ट हिस्ट्री पढ़नी है, प्री हिस्टोरिक से लेके मॉडर्न तक पढ़ना है, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, इसकी भी हिस्ट्री इन्वॉल्व है. ठीक है, तो देखो, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रागैतिहासिक से तो होगा नहीं. ठीक है, वो आफ्टर फोटोग्राफी आया है ना, तो हम वो तब से लेके अभी तक, है ना, 15वीं शताब्दी से लेके अभी तक की जो बात है वो हम उसको पढ़ लेंगे. वही हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है, वही हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग होती है. तो जब हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब हम लोग उसका हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और उसका आज एट प्रेजेंट भी पढ़ लेंगे. तो वो एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसको आपने डर गए आप, मतलब जिसको हम लोग ही डर गए देख के. आगे बढ़ते हैं, सिक्स यूनिट क्या है, रिलेवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स. वेरी गुड, एस्थेटिक्स, सौंदर्य, कला सौंदर्य, कला समीक्षा. एमए के फाइनल ईयर में सबका ये वाला पेपर होता है कि आर्ट एस्थेटिक्स क्या है. ठीक है, तो आर्ट एस्थेटिक्स क्या है भाई, सुनो तो एक मिनट. हाँ, आर्ट एस्थेटिक्स
जैसे कि उसके अंदर आपका इंडियन एस्थेटिक्स भी आएगा, उसके अंदर आपका वेस्टर्न एस्थेटिक्स भी आएगा। अब इसमें जो नीचे स्पेशलाइजेशन और ये लिखा है, इसको इग्नोर करना है, और इसको मैं आगे एस्थेटिक्स को इसलिए ज्यादा एलेबरेट नहीं कर रही क्योंकि आगे पूरा एलेबरेट फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखो सेवन, तो स्टडी ऑफ लैंडमार्क फेसेस एंड आर्टिस्ट इन वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक से कंटेम्प्रेरी फेस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियोलॉजी मटीरियल टेक्निक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं, वेस्टर्न आर्ट, यूरोपियन आर्ट जो हम बोलते हैं, वेस्टर्न तरफ का जो आर्ट है वो प्रागैतिहासिक से लेके कंटेम्प्रेरी फेस तक पढ़ना है। उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए, तकनीक यूज हुई, स्टाइल्स हुआ, थीम्स हुई, ये सर। तो ऑब्वियसली ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वेस्टर्न आर्ट तो हमारा चालू है और हम स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ देख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं छोड़ते हैं। आगे देखो, वैसे ही भारत की हिस्ट्री का भी करना है, प्रागैतिहासिक से लेके 8वीं शताब्दी तक क्या क्या हुआ है, उसमें कितनी बार बोलोगे एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो उसकी हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करना, भारत की हिस्ट्री प्रागैतिहासिक से लेके आज तक की, और कुछ भी मत सोचो उसमें, जो जो तकनीक वो तो हम खुद ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब उसकी तकनीक भी पढ़ेंगे, उसकी थीम भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ डराने की बात है जो एक ही शब्द को चार बार लिख दिया। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए पर आप लोगों का जो है एक स्ट्रेस लेवल है उसका बतानी जरूरी है। अब डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी इन 19th सेंचुरी और 20th, अब 19वीं से 20वीं शताब्दी जो भारत में जो मॉडर्निटी आई है किस तरह से, ठीक है, इंडियन आर्ट जिसमें अप्लाइड आर्ट्स भी आया है ना, ग्राफिक्स आया है, कम्युनिकेशन सब कुछ आया है, विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरियस आर्ट मूवमेंट्स जो मीडियम स्टाइल इंडिविजुअल्स है। जैसे कि हम बोलेंगे कहां से आ जाओ, जब ब्रिटिश आए, बंगाल स्कूल आया और डिफरेंट आर्ट स्कूल्स आए, उसके बाद जो जो हमारी कला में, भारत की कला में आर्ट करेंट भी में हम जो लाएंगे, भारत की कला में जो जो भी चेंज हुए आज की तारीख तक जो हम देखते हैं ना, इंस्टॉलेशन हो गया, वीडियो आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, ये सब हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देखते हैं, हम भारत में भी देख रहे हैं कि कैसे आज के कलाकार नई नई तकनीकें अपना रहे हैं। तो ये वाली चीजें भी हम जो देख रहे हैं वो हम सब इसमें आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, चाहते मेरे हिसाब से चाहते तो ये यहां तक 20वीं शताब्दी यहां लिख देते, तो ये दो यूनिट मिलके एक ही यूनिट हो जाती, लेकिन उनको बढ़ाना था इसलिए उनने ये चीज करी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ा इसको थोड़ा सा मॉडर्न करना चाहिए, अच्छे से पॉइंट्स में लिख देना चाहिए ताकि डर खत्म हो, लेकिन उनको डर शायद खत्म करना ही नहीं है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है, ये आज तक की चीज जो है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आते हैं आपका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ ट्राइबल फोक एंड पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड फ्रॉम द मॉडर्न आर्टिस्ट। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये आपका पूरा फोक आर्ट हो गया, लोक कला हो गई जो अलग अलग जगह पे चल रही है अपनी अपनी उस पे। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो चल रही है वो सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो है मोटे तौर पे जो चीजें थी वो आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन अब ये क्या है बोलोगे तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये इलेक्टिव और ऑप्शनल, जिसको आप कहते हैं इलेक्टिव और ऑप्शनल, तो ये वाली चीज क्या है भाई, तो देखिए पहले के उसमें क्या होता था कि आपने फर्स्ट पेपर तो आपने कॉमन दे दिया और बाकी के दो पेपर आपने जो सब्जेक्ट जैसे कि आर्ट हिस्ट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर जो चूज कर रखा है ना उसका आपको डिस्क्रिप्टिव आता था, मतलब क्वेश्चन आता था और आपको 6-6, 7-7 पेज उसमें लिखने पड़ते थे। तो पहले तो ये वाली चीज होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, अब सब मिलके एक ही साथ हो गए। अब मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की हूं तो फिर मुझे अप्लाइड भी पढ़ना पड़ा, मुझे मूर्ति भी पढ़नी पड़ी, मुझे वास्तुकला भी पढ़नी पड़ी, मुझे सब पढ़ना पड़ा। वैसे अगर कोई अप्लाइड वाला होगा तो उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि आपको पेंटिंग, आपको मूर्ति, आपको वास्तुकला, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है हम आते हैं कि ओवरऑल जो कल तक इलेक्टिव था आज वो सबके लिए है। ठीक है, तो इलेक्टिव ऑप्शनल को ना कंफ्यूज हो, ये आप अपने लिए अच्छा समझें कि हमारा जो ऊपर 10 यूनिट्स में जो सिलेबस था उसको ही अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं तो इससे हमारे पढ़ने में इजी होगी। तो आर्ट हिस्ट्री कला इतिहास में हम आए, चाहो तो ऊपर की 10 यूनिट देखो ही मत और यहां से एक एक पॉइंट लेके शुरू कर दो, अपना सिलेबस लिख लो, अपना एक आम भाषा में नोट डाउन कर लो और उसको एक एक टॉपिक को उठाना पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले कला इतिहास में भी हम कहां पे आएंगे, भारतीय मूर्तिकला पे। तो भारतीय मूर्तिकला आपको मैंने पहले ही बताया है जब टाइमलाइन का, जिसने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से हमारी टाइमलाइन चलती है, लेकिन अभी हम किसके उसमें है, हम भैया मूर्तिकला के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। तो मूर्तिकला कहां से चालू हुई, सिंधु घाटी से चालू हुई, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये सारे
पीरियड्स हम देखते हैं और इसमें जो चालू हुई वो हमारी आर्ट हिस्ट्री में ये चीज आ जाएगी। जो जो भी मूर्तियां यहाँ पे पाई गई, किसकी पाई गई, ये सब चीजें इसमें हम देंगे। फिर आते हैं गुप्त, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, ये सब आपके देखो इसमें मंदिर बने हैं। हम मोस्टली चालुक, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूटा, ये सब अजंता एलोरा इनकी, सॉरी एलोरा एलिफेंटा इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मूर्तियां भी मिली है। तो ये वाली चीज आपकी इंडियन स्कल्पचर में आ जाएगी, जो गुर्जर प्रतिहार, जिसको हम क्या बोलेंगे, राजस्थान, एमपी, यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ के जो केंद्र है, उस समय की जो मूर्तियां हैं, ये सब देखो। इसको मैं वापस एलिब्रेट नहीं करूंगी क्योंकि इंडियन टाइमलाइन में सब कुछ बता रखा है, ठीक है, लेकिन हम इसको जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, है ना। पल्लव है, चोल है, राष्ट्रकूटा है, होयसल है, ककतिया है, ककतिया भी जो अपना रामप्पा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड है ना, उसमें तो ये इसलिए भी अभी थोड़ा सा अच्छे उसमें है, हाईलाइट में है। पाल सेन, ओडिशन, सोलंकी, परमार पीरियड्स, इन समय इन सब में जो जो मूर्तियां मिली है वो आपकी इसमें आ जाएगी। अब आते हैं हम इंडियन आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर मतलब जो मंदिर बने, ठीक है। आप जान रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेट में दिन पर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें ये पढ़ना अब आसान होता है। हम ये चीजें जब अगर टाइमलाइन को लेकर समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो भारतीय इंडियन आर्किटेक्चर जिसमें क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें जो स्तूप है ये आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर में कैसे सिंधु घाटी के समय तो नहीं बनी है, इंडस वैली ऑफ जो वैदिक पीरियड में बना है, मौर्य पीरियड, प्री मौर्य पीरियड में बना है, ये वाले जो स्तूप बने हैं, बरहूत, सांची, अमरावती, सारनाथ, ये सब इसमें आएगा। केव टेम्पल, भाजे, कार्ले, हम सब जानते हैं, सातवाहन पीरियड का टाइम, अजंता, नासिक, लोमश ऋषि, कन्हेरी, ये सारी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेट में आपको एक एक चीज पढ़नी जरूरी है, याद रखना। गुप्त, गुप्त में उदयगिरी, देवगढ़, लोग कहते हैं देखो कि जो एग्जाम में आए वही पढ़ो, लेकिन अभी कुछ कुछ पिछले कुछ पेपर्स से देख लिया है कि ऐसे काफी क्वेश्चंस, ऐसी चीजें आ रही है जो पहले नहीं आई थी, ठीक है। तो आप उस चीज को लेके रखें क्योंकि आप एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली 10 साल के पेपर सॉल्व करोगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं बताती हूँ, पिछले 10 साल के क्लियर सॉल्व कर लो, यूं एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्लियर के बाद आप उस नजर से देखे जाते हो कि यू आर नेट, जेआरएफ और नेट, तो उस हिसाब से वो तभी होता है अपने सब्जेक्ट में जब वो बहुत नॉलेजेबल होता है। तो आपको वो नॉलेज कैरी करना है या आपको सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट कैरी करना है, या आपको डिसाइड करना है। अगर आपको विथ नॉलेज नेट का सर्टिफिकेट कैरी करना है तो आपको वो अपनी पढ़ाई भी उस तरह से रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि ताकि कल को हम भी चार लोगों को इसी तरह गाइड कर सके, ठीक। तो ये सब देखो, ये सब है गुप्त, उदयगिरी, देवगिरी, हर बुक में हमको मिलता है और बहुत आसान होता है। मेन मेन नोट्स कैरी करेंगे इसमें तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। चालुक्य में बादामी, ऐहोल, पडक्काल, पल्लव, ये सब मेन सेंटर भी दे रखे हैं। नहीं लिखे हों अगर आपके पास, चाहो तो नोट डाउन सिलेबस में से भी कर सकते हो, ठीक है, कि पल्लव के मेन ये क्या है। राष्ट्रकूटा का एलोरा एलिफेंटा गायब है यहाँ से। गुर्जर प्रतिहार, सैंधव, मैत्रिक, चंदेल का खजुराव, ओडिशा के भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी है ना, चोल के तंजौर, गायकोंडा, चोलापुरम, होयसेल का बेलूर, हेलीबिट, ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई होनी जरूरी है। आपके पास टाइम बाय टाइम इन द टाइम लाइन आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। काकतिया, कलयम, चालुक्य, सोलंकी, इन सब में जो भी देखो, सोलंकी गुजरात में रानी की वाव बनी है, मोटेरा का टेम्पल है, नौलखा टेम्पल है, जो जो भी आपको मिलता है आप प्लीज पढ़ो, ठीक है। परमार, नायुक, ये हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी इसको, अगर आप लोग का साथ रहा तो हम डेली बेसिस पे जो चालू करेंगे तो उसमें हम ये सब चीजें भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताना जब भी ये देखोगे, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी चीज, वैसे शुरू तो हम इंडियन आर्ट से ही करेंगे लेकिन और पेंटिंग से करेंगे ताकि आप लोगों का डर थोड़ा सा जो भी अपना वो है वो चीज कम हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर, पता है कैसे सल्तनत से मुगल के समय तक और उसके बाद डेकन वो अले भी बोले, मांडू, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, सब जगह जो जो भी आर्किटेक्चर बने वो सब आपको देखना रहता है, ठीक है। स्कल्पचर देख लिया, आर्किटेक्चर देख लिया, तो पेंटिंग्स में कैसे पीछे रहेंगे। पेंटिंग्स तो हर बुक में मिलती है और हर किसी को ये समझ में आती भी है। क्या है पेंटिंग्स, देखो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, अजंता, बाघ, लेटर म्यूरल ट्रेडिशन, मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, जो मतलब हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक से लेकर अजंता में हुई, गुफा चित्रण चालू हुआ, म्यूरल ट्रेडिशन, समझ रहे हो ना, कि बाद का जो हम बोलेंगे
उसमें जो भी जितने भी म्यूरल्स हुए, फिर मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग आई, कैसे पोथी चित्रण आया पाल के समय, ठीक। फिर आते हैं ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न इंडियन, ठीक। फिर सल्तनत टाइम आया मांडू के समय, चौर पंचाशी का जो प्री मेवाड़ बोलते हैं उसके समय, फिर प्री मुगल स्कूल्स, ये सब जो अकबर से लेके शाहजहां तक का टाइम, औरंगजेब का टाइम, जो पेंटिंग्स हुई, ये सब हर बुक में मिलता है और ये पूरी टाइमलाइन अच्छे से पढ़ी होनी जरूरी है। राजस्थान में देखें तो मेन देखो आर्ट स्कूल दिख रहे हैं आपको कैसे, मेवाड़ से लेके किशनगढ़ तक, फिर मालवा पेंटिंग्स जो 16वीं शताब्दी की है, पहाड़ी पेंटिंग्स, डेकनी पेंटिंग्स, डेकन का मेन अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये जो स्कूल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। अब जो आ रहा है ये तो सब में मिल जाता है, ठीक। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इंडियन आइकोनोग्राफी। आजकल क्या पहले भी आता होगा, नेट में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, मिलते हमको, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है दोस्तों। ये आपको जब आप इंडियन स्कल्पचर्स पढ़ोगे, जब आप इंडियन आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे, ये वाली चीजें हमें वहीं दिखती है, वहीं मिलती है, वहीं पता पड़ता है हमको कि इंद्र का सिंहासन क्या है, वहीं पता पड़ता है कि वरुण का सिंहासन क्या है। लेकिन आता क्या है, आता ये सब आइकोनोग्राफी वाले टॉपिक में है, ठीक। उसी में हमको पता पड़ता है, जब हम मूर्ति की स्टडी करते हैं वहीं हमें पता पड़ता है कि यमुना जी किस पे खड़ी है, और वहीं हमें पता चलता है कि गंगा जी किस में खड़ी है। तो वो चीजें आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूर्ति कला को, वास्तुकला को ही हम इतने अच्छे से पढ़ लें कि हमें आइकोनोग्राफी समझ में आने लग जाए, ठीक। तो देखो, इमेज वर्शिप, डेवलपमेंट ऑफ द कल, विष्णु, शिव, शक्त, ये जो सेक्ट होते हैं, विष्णु के कितने अवतार होते हैं, शिव के, इसको आप अलग अलग भी लेके ऐसे छोटे छोटे प्रिपेयर करोगे ना, आपके लिए इजी हो जाएंगे। हमें विष्णु के अवतार के बारे में पता होना चाहिए, शिव क्या क्या कैरी करते हैं, ये सारी चीजें है ना, एक जनरल डिस्क्रिप्शन विष्णु के बारे में, शिव शक्ति की सप्त मातृकाएं कितनी होती हैं, है ना, लक्ष्मी कौन, सूर्य, यक्ष, गणेश, कार्तिकेय, इन सब के, देखो इन सब, ये सब कैरी क्या करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, इनके हाथ वो सब गदा वदा जो इनकी चीजें रहती है वो क्या रहती है, इनके आसन क्या है जी, किस पे सवार रहते हैं, इनकी व्हीकल क्या है, ये वाली चीजें जो बहुत जनरल होती है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक। हिंदू टेम्पल एंड आइकोनोग्राफी, अष्ट दिक्पाल, रिवर गॉजेस क्या होती है, यमुना, गंगा, कैसे वो मंदिरों के द्वार पे रहती हैं, है ना, गंगा, अभी क्वेश्चन आया था कि गंगा का वो क्या रहते हैं, वो किस पे खड़ी हैं और यमुना किस पे खड़ी हैं, ऐसे है ना, वो कछुआ और मकर पे रहते हैं ऐसे। तो ये हमें तभी पता होगा जब हम डिटेल, हमें ढंग से पता होगी चीजें, ठीक। तो आसान होता है, एक एक बार बस ये पता होना चाहिए, ठीक। जातक टेल्स, बुद्ध की कथाएं क्या होती है ना, किस तरह के बुद्ध होते हैं, अवलोकितेश्वर, और बुद्ध की जो अपनी वो भी आएंगी ना, जो फीमेल गॉडेस होती हैं, वो सब जो है आपको उसमें देखना होता है। फिर बोधिसत्व क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्ध एंड बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, ये सब कौन है, बुद्ध के ही रूप हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। जैसे मैत्रेय क्या, अब आप बोलोगे कि फ्यूचर बुद्ध को मैत्रेय नाम दिए गए, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये मैं भी कोई, देखो मैं भी इतना कोई धर्म के प्रति मुझे भी इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है, तो धीरे धीरे ये चीजें प्रिपेयर हो जाती है। टाइम बचे तो हम बिल्कुल नेट पे सर्च कर लो, किसी दिन ऐसे ही बैठे हो तो यक्ष के बारे में पढ़ लो, भाई यक्ष क्या होते हैं, तो अपने आप पता पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप अगर करोगे तो आपकी बात बनेगी। फिर आते हैं तारा गॉडेस, हिंदू गॉड भी होती है और हमारी बुद्धिज्म भी होती है। आइकोनोग्राफी, तीर्थंकर कौन कौन से, ऋषभनाथ है, महावीर है, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ये मेन चार तो दे दिए, कैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, इनके एक सिंबल होते हैं, ठीक है, इनकी फीमेल कंसॉर्ट होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाहुबली कौन है, जैन यक्ष, यक्षी, ये अंबिका जैन गॉडेस होती हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर मेडिवियल पेंटिंग जो बीत का टाइम आता है उसमें गीत गोविंद, रामायण, लौरचंद, रागमाला, रसमंजरी, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, अब ये पता होना चाहिए कि गीत गोविंद कैसे, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, कल्पसूत्र कैसे जैन धर्म से, कालकाचार्य कथा कैसे जैन धर्म से, तो ये चीजें जो है हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। रागमाला के अंदर क्या है, कैसे 12 मतलब रागों को चित्रित किया गया है, तो ये वाली चीजें हमें
जनरल इनका पता होना चाहिए, बाकी डिटेल में नहीं कि भाई कालकाचार्य कथा पूरी पोथी उठाई और पढ़ ली, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि वो किस समय चित्र उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसी पाई गई हैं या वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये आ गई देखो एस्थेटिक्स और आर्ट क्रिटिकल थ्योरी, जो मैंने आपको बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें कि देखो, सबसे पहले सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग कैसे षडंग है, चाहे वो भारतीय हो चाहे चीनी हो। चीनी ज्यादा नहीं देखने का, ये देखना है कि बस उसमें क्या क्या होता था, ज्यादा नहीं देखने का क्योंकि आता ही नहीं है। फिर आते हैं रस की थ्योरी, ध्वनि की थ्योरी, अलंकार, औचित्य, रीति, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन इनके पॉइंट्स बना लो कि रस की थ्योरी किसने दी, ध्वनि की कैसे, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, सबको पढ़ डालो थोड़ा 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 थोड़ा, किससे रिलेटेड क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डिटेल्ड तो नहीं पूछ लेंगे, डिटेल तो वो कभी नहीं पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं, इससे रिलेटेड कौन सा है, ये सिद्धांत किसने दिए, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। इस चीज को आप एक जगह नोट डाउन कर लो और आपको जब टाइम मिले आप उसको अपना रिवाइज करते रहो। ठीक, फिर आते हैं एस्पेक्ट, फिर आ गए चित्र सूत्र क्या है, चित्र लक्षण क्या है, क्या होती है, बर्तना क्या होती है, ये सब हमको आता उसी में, इसको बस बहुत बड़ा बड़ा करके लिख रखा है। विजिबल इनविजिबल एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, दृश्यम अदृश्यम, रेखा लाइन, ये सब पहले देख चुके हो, इसको बस हमें समीक्षा के तौर पे देखना है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। विष्णु धर्मोत्तर देख लो, बृहद संहिता, शिल्प शास्त्र, तो भाई इसके लिए मैंने आपको एक बुक बताई कला समीक्षा जो अशोक की है, उसमें वो जो ये टॉपिक्स को पढ़ लो बस काम बन जाएगा, ज्यादा आगे हीरो बनना ही नहीं। फिर आते हैं एस्थेटिक्स थ्योरी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट थ्योरी, सब छोड़ दो, मतलब सब छोड़ना नहीं है। ओवरऑल इनकी बात यही है कि जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, रॉजर फ्राय लिखे हुए हैं, ग्रीनबर्ग दिख रहे हैं, वोल्फिन दिख रहे हैं, गॉम्ब्रिज हैं, ही वो तो सब है ही नहीं, अपने अच्छे नीचे हैं वो, तो इन सब के बाद इन सब ने जो जो थ्योरी दी है वो समझ लो। आनंद कुमार स्वामी और स्टेला क्रेमिश ने किस तरह की जो जो चीजें लिखी है, जो जो किताबें लिखी है, किताबें इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए, कि इनने जो जो बुक्स लिखी हुई है उनको नोट डाउन कर लो, इनको पढ़ लो। ठीक, फिर आते हैं वेस्टर्न अप्रोच पे, प्लेटो, एरिस्टोल, वसारी, इन सब ने क्या क्या दिया है, क्या क्या थ्योरी दी है, वो सब चीजें आप इसमें देख लो। चलो अब आगे देखते हैं, जो मेन है उस पे ही आगे बढ़ोगे तो खुश रहोगे। यूरोपियन आर्ट, इसमें भी सेम यही है कि यूरोपियन तो वही पेंटिंग में आ गया, ठीक है, एस्थेटिक से आगे बढ़ गए, ये तो मैं शायद मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, हम यहां तक आ चुके हैं, यहां तक आ गए हैं, इतना पढ़ना है, पर ये बहुत छोटे छोटे हैं तो इसको हम जल्दी निपटा लेंगे। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक से लेके आज तक की जो कला है, ये आर्ट्स हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आज मुझे इन सब के बारे में पता है कि सिम्बोलिज्म के अंदर क्या था, फोविज्म के अंदर क्या था, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन क्या है, फेमिनिस्ट क्या हैपनिंग, कुछ नहीं है, दो दो लाइन में समझ जाओगे कि ये क्या होता है बस, और इससे एसोसिएट आर्टिस्ट के हैं, ज्यादा घुसना नहीं, सिर्फ उनके कला आर्टिस्ट देखो, उनका थीम देखो उससे, और उनकी जगह जहां वो चालू हुआ, ये चीजें देखनी होती है आर्ट मूवमेंट्स में, कोई भी आर्ट मूवमेंट्स हो, ये किस जगह से चालू हुए, इसमें मेन आर्टिस्ट क्या थे, इनका थीम क्या था, ये कैसे पहले से अलग थे, तो वो चीज आपको इसमें देखनी रहती है। चलो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट नहीं है, अब आर्ट ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरी, अक्केडियन, ये तो सब इन्हीं के अंदर आते हैं, आपने पढ़ रखा है मेसोपोटामिया, तो ये सारे इनकी जो कला है वो आप इसमें देख लो। चलो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब ये श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सियाम, बर्मा, देखो इनका तो मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, जो कुछ बुद्ध से रिलेटेड गुफाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, एक्सकेवेटेशन चीजें श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, इनसे मिली हुई, बर्मा, तो वो पढ़ लो बस बहुत है। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगी बस बहुत है, मैंने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि आता ही नहीं है और नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आगे आ जाओ, अपना जो टाइम है वो इन चीजों में दे दो दूसरे। अब आते हैं मॉडर्न इंडियन आर्ट, कंपनी स्कूल चालू हुई, सबको पता है वही बाजार पेंटिंग, पटना स्कूल, आप यहीं से कालीघाट पेंटिंग आई, राजा रवि वर्मा, नियो बंगाल स्कूल जो हमारे नंदलाल बोस ने चालू किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर, उनके सारे डिसिपल्स दिख रहे हैं,
गजेंद्रनाथ ये सब पढ़ना है, शांति निकेतन, आर्ट एजुकेशन कैसे फॉलो, तो ये तो एक पैटर्न में अपन लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो इसमें डिस्कस करने का कुछ समझ आता ही नहीं है। अब आते हैं जो फेमस स्कल्पचर है, तो कैसे देवी प्रसाद राय चौधरी से महात्रे गणपत राव महात्रे है ना, वो ढंग से लिखा नहीं होने, तालीम डीपी राय चौधरी, एम वी धुरंधर, हेमेन मजूमदार, ठाकुर सिंह, ये सब स्टार्टिंग के जो प्रोफेशनल स्कल्पचर थे। अब इसको मैं पूरा नहीं बोल रही, एक एक को अपने जो भी नोट्स हैं आपकी, जो भी राइटिंग है, एक एक को पकड़ो और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल समझो कि वो क्या थे, ठीक है। और उसी के बीच देखो आ गया प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट, इनसे जुड़े हुए जो आर्टिस्ट हैं ये दिख ही रहे हैं देखो आपको, तो वो सब देख लो, कलकत्ता ग्रुप, हमारे चोलमंडल आर्टिस्ट, ये सब अलग अलग ग्रुप लो, उनके आर्टिस्ट पढ़ लो। आर्टिस्ट तो आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है और इनके बारे में डिटेल्स अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सब तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, आर्टिस्ट में हमको टाइम देना पड़ेगा, इसका मैं आपको इजी वे नहीं बता सकती क्योंकि ये तो पढ़ना पड़ेगा एक एक, ठीक है। अब आ जाओ, प्रिंट मेकिंग की कला चालू हो गई, पेंटिंग हो गया, मूर्ति हो गई। अब प्रिंट मेकिंग में जो जो आर्टिस्ट एसोसिएट हैं, के जी सुब्रमण्यम, के सी पनीकर, रेडप्पा नायडू, एस बी, अच्छा पलसीकर, शंकर राय पलसीकर, और जानकी राम, मीरा मुखर्जी, ज्योति भट्ट, ये सब आपके काय में आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे। चलो फिगरेटिव नरेटिव ट्रेंड, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन, ये सारे आर्टिस्ट, जो जो आर्टिस्ट आपको इसमें भी दिख रहे हैं ना, सबको एक जगह से नोट डाउन कर लो, एक जगह लिस्ट बना लो और एक एक करके उनको उठाओ। अभी टाइम है, जब तक नेट की एग्जाम है तब तक एक दिन एक आर्टिस्ट भी लोगे ना, मैं भी करती थी और मैं आज भी करती हूँ, आज भी मैं नए आर्टिस्ट को जोड़ रही हूँ अपने मतलब कलेक्शन में, और आप एक एक आर्टिस्ट को स्टडी करो तो आपके एग्जाम तक कितने बन जाएंगे आप खुद सोचो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी कि वो तो हम साथ में पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, इंडियन आर्ट का हो, वेस्टर्न आर्ट का हो, वो तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट भी रोज का बनाओ, रोज का एक आर्टिस्ट बनाओ अपना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना लग रहा है कि हमने वो स्टार्ट किया। स्टार्ट करो बिल्कुल अवनिन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा से करो, एंड आते आते आप भी ऐसे पुष्पमाला जैसे कलाकारों पे पहुंच जाओगे, मतलब जिनके बारे में हर किसी को हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक, और हर कोई बुक में भी नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे अपने आप जब अपने ये आर्टिस्ट हो जाएंगे ना आसान वाले, तो हमको फिर लगेगा चलो हम कोई नया सर्च करते, फिर हम इंटरनेट, गूगल है, गूगल में अनेकों आर्टिस्ट की वो है, फिर हम उस पर आएंगे। पर पहले बेसिक्स तो जाओ, पहले बेसिक्स आर्टिस्ट पे तो जाओ, तो वो आप तभी हो पाएगा जब हर दिन एक कलाकार लोगे, क्योंकि मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि डेली आपको आर्टिस्ट भी बताएं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और डेली आर्टिस्ट भी बताएं और ये टॉपिक्स भी डिस्कस करें। तो टॉपिक्स तो हम पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिस्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये सारे कलाकार को मैं बोलते भी नहीं, आपके पास ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी पूरा पीडीएफ, और इस पे आप देख लेना कि ये सारे को आपका ये टास्क रहेगा दोस्तों, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को लेंगे, तब तक आपका टास्क रहेगा, अगर आपको मेरे साथ सच में पढ़ना है तो आपको ये सारे आर्टिस्ट को पेज में लिखना पड़ेगा, लाइन से करना, और मुझे खुद चाहो तो पर्सनल पे भी फोटो भेज सकते हो, ये बताने के लिए कि यू आर वॉकिंग विथ मी, मेरे साथ चल रहे हो अगर, तो आपको ये वाली चीजें करनी पड़ेगी। आपका होमवर्क है कि आपको एक बार सारे कलाकारों को लिख के तो देखो, तो भी पता पड़ जाएगा अच्छा ये आर्टिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। ये भी हमको पढ़ाई कराएंगे, मैंने आपको बोला था सिलेबस भी हमको पढ़ाई कराएगा कि हमें पता पड़ेगा कि कौन प्रिंट मेकर्स हैं, कौन पेंटर्स हैं, कौन स्कल्पचर हैं। आपको पता है अभी पिछला हम एग्जाम भी डिस्कस करें तो यही आता है, ये आर्टिस्ट क्या क्या काम करते हैं, कितनी बार आता है, तो ये कैसे पता पड़ेगा, ये तभी पता पड़ेगा जब हम उनको उनकी जानकारी रखेंगे, और वो ऐसे ही पॉसिबल है, ठीक। फिर आते हैं, ये सब तो हो गया आपका, आप सारे सबके नाम लिख लो, ये आपका खुद का होमवर्क है, मैं इसमें एक एक नाम बोल के अपना टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी। ट्राइबल और फोक आर्ट जो कि आप भारत में देखेंगे, मोस्टली तो भारत में जो जो फेमस हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। आगे ही आ गया, लो इंडिया में पटचित्र क्या है, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा का, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली, पिथौरा, डोकरा के ब्रॉन्ज, जो समझते हो ना डोकरा कास्टिंग जो वहां पे होती है, वो टेराकोटा के हॉर्सेस जो गुजरात, यूपी, बंगाल, एमपी, तमिलनाडु में बनते हैं, वुड कार्विंग, अब यही क्वेश्चन आया था कोंडापल्ली कहाँ के लिए फेमस है,
तो कहाँ के लिए फेमस है? सिलेबस में से ही पता पड़ता है वुड कार्विंग के लिए फेमस है भाई, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक, अब आते हैं कर्नाटका बूटा बेंग लेदर पपेट्स, ये अनाथ लेदर पपेट्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ से है। फिर मॉडर्न डिजाइन फैशन में अब टेक्सटाइल्स जो होता है, बनारस की बनारसी साड़ी, कांचीपुरम, गुजरात बारूकेट, बलूचुरी, डक्का मलमल, ढाका मलमल जो होती है, पैथाइनी, कटकी, इन सबको हम लोग पढ़ थोड़ा सा एक एक को उठाएंगे, तो सिर्फ यही नॉलेज कि वो किस एरिया का है, उसमें काम क्या होता है, वो कैसा दिखता है, इससे ज्यादा पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़ लेनी है इसके बारे में, लेकिन सिर्फ जानकारी होनी जरूरी होती है। गुजरात ब्रोकेट, बालूचेरी, डक्का मलमल, ठीक ही हो गया। एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई फैब्रिक्स क्या होते हैं, अब एम्ब्रॉयडरीज में कैसे, फुलकारी, चंबा रुमाल, काथा टेक्सटाइल्स के बारे में बहुत आया, तो भाई कहाँ होता है ना, कैसे वो बंगाल का होता है, किस तरह से उसमें हम उसकी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब जो पुराने रहते हैं रग्स उससे करते हैं। ठीक, मेटल वेयर में हम देखेंगे बिदारी, रेपोस, एनमलिंग, रेपोस टेक्निक के बारे में कितना आता है, ठीक, वो कैसे मेटल वेयर की टेक्निक है, तो ये आपको ऐसे ही पता पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा इस सिलेबस को भी अगर पढ़ोगे तो चीजें पता पड़ जाएगी। ठीक दोस्तों, आज जो है अपना एक घंटा अभी होने वाला है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा, क्योंकि टेस्टिंग भी है, क्या पता आप देखेंगे ये सही से हुआ है कि नहीं, ये होएगा तो ही शायद ये अगला कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुझे वही वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ेगा। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने आर्ट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें बनती है, जो जो टॉपिक बनते हैं उसको डिस्कस किया। अब जो हम ड्राइंग एंड पेंटिंग उसको करेंगे, लेकिन अगर ये अगला वीडियो आप जब भी देखेंगे आप पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो सीखने लायक है, जो नोट डाउन करने लायक है, जो आपके नोट्स में होनी चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते और उसको अपन नोट भी करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक, अभी तक मैं क्या बोल रही थी कि ये सब अपन कर लेंगे, लेकिन यहाँ हम हैंड टू हैंड चीजों को समझेंगे अब कि इसके बारे, इसका मतलब क्या होता है और ये हम किस में देखेंगे। तो ये आप अगर उसी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला अपन वैसे ही करेंगे, होगा अगर ये अच्छा हुआ होगा तो हम वेडनेसडे को फिर से 9 बजे यही यहाँ इसके आगे से करेंगे, अदरवाइज फिर इसके आगे से मैं वीडियो आपका शूट करके और आपको अपना उसमें डाल दूंगी। ठीक है दोस्तों, ये कैसा हो रहा है प्लीज आप लोग जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके, और दूसरी बात अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, और जो सजेशंस हैं आप वो भी मुझे दे सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट है नहीं और मैं अकेली जो कर रही हूँ, तो वो कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, आपका हेल्प हो सके, और हम लोग अगर लाइव वाली चीज भी सक्सेसफुल रहती है तो हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो आप बिल्कुल अगर ये सही रहेगा तो हम वेडनेसडे को फिर मिलेंगे। इसका जो अपडेट है वो टेलीग्राम पे ज्यादा होता है, तो आप टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन लोग मेरे साथ है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई आज से हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों का पहला जो होमवर्क आज मैंने दिया है, आप प्लीज वो कर लें, अपना जो हमने अभी एक यूनिट देखी है, एक यूनिट ही कहूंगी मैं, ड्रॉइंग हमने आर्ट हिस्ट्री वाली चीज जो देखी उसको एक बार फिर से देखो, अपनी कॉपी में लिखो, नोट डाउन करो। सिर्फ देखने से, मोबाइल में सेव करने से कुछ नहीं होता, मेरे पास आज भी वो पॉइंट्स नोट हुए हुए हैं जो मैंने नेट के सिलेबस पे किए थे। ठीक है, तो आप उसके पॉइंट्स नोट डाउन करो, आर्ट हिस्ट्री में हमने क्या प्रीहिस्टोरिक से टुडे आज तक पढ़ना है ये नोट करो, सारे आर्टिस्ट नोट करो क्योंकि वो आर्ट हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो सारे आर्टिस्ट नोट करो जिसमें ड्रॉइंग एंड पेंटिंग में कौन से आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर में कौन से हैं, प्रिंट मेकर में कौन से, इस तरह की अगर फॉर्मिंग करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसा आपका जो भी, जिस तरह से भी आप अपना आउटपुट रहता है, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।